सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। आज आपको सुनाती हूँ जिंदगी से जुड़ी एक और कहानी। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु से बोला, ना जाने क्यों मेरे अपने मेरा तिरस्कार करते हैं, ना जाने क्यों मैं तो सबके लिए सब कुछ करता हूँ लेकिन मेरे अपने मेरी वैल्यू ही नहीं समझते। गुरुदेव मुस्कुराए, उन्होंने कहा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा लेकिन पहले एक पत्थर देता हूँ, जाओ इस पत्थर को ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेच कर आओ। गुरु ने अपने झोले में से पत्थर निकाला और अपने शिष्य को दे दिया। शिष्य उस पत्थर को लेकर सबसे पहले कबाड़ी वाले के पास पहुंचा क्योंकि अक्सर वही पुरानी चीजें खरीदते हैं। पर इस कबाड़ खरीदने वाले ने कहा कि भैया मैं तो रद्दी खरीदता हूँ, पुरानी चीजें खरीदना मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी यदि तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें इसके 10 रुपए दे सकता हूँ। अब शिष्य को लगा गुरु ने कहा था ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेचना है। शिष्य ने पत्थर वापस लिया और एक सब्जी वाले के पास पहुंच गया। बोला, भाई तुम्हें तो सब्जी तोलने के लिए बाट की जरूरत पड़ती है, क्या तुम मुझसे पत्थर खरीदोगे? सब्जी वाले ने कहा, भैया सब्जी नापने के लिए बाट की जरूरत होती है, पुराने पत्थरों की नहीं, लेकिन फिर भी यदि तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें इसकी अवज में 5 किलो आलू दे सकता हूँ। अब शिष्य को लगा गुरु ने कहा था ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेचना है। उसने अपना पत्थर वापस लिया और एक राशन वाले के पास पहुंच गया। राशन वाले से पूछा, भैया क्या तुम ये पत्थर खरीदोगे? राशन वाले ने मुस्कुराकर कहा, भाई हम दाल चावल खरीदते और बेचते हैं, पत्थर कंकड़ नहीं खरीदते, लेकिन फिर भी यदि तुम मेरे दरवाजे पर आए हो तो मैं तुम्हें इसकी अवज में 10 किलो चावल दे दूंगा। शिष्य को बात जची नहीं। अब उसने सोचा, चलो एक जौहरी के पास जाते हैं, और बस पहुंच गया एक जौहरी की दुकान पर। उससे पूछा, भैया क्या तुम ये पत्थर खरीदोगे? जौहरी ने सबसे पहले अपनी टेबल पर लाल रंग का मखमल का एक कपड़ा बिछाया, उस पे बड़ी आदर के साथ इस पत्थर को रखा, उसे कपड़े से साफ किया, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शिष्य से बोला, भैया मैं यदि अपनी सारी दौलत भी बेच दूँ ना, इस दुकान में पड़े सारे जेवरात भी बेच दूँ, तो भी इस बेशकीमती हीरे की कीमत तुम्हें अदा नहीं कर सकता। अब शिष्य को लगा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है। उसने उस पत्थर को वापस लिया और भागा भागा अपने गुरुदेव के पास पहुंचा। कहने लगा, गुरुजी मुझे तो जौहरी ने कहा है कि ये बेशकीमती हीरा है, वो चाहकर भी इसकी कीमत नहीं दे सकता। तब गुरुदेव मुस्कुराए, उन्होंने कहा, देखा तुमने, तुम हमेशा कहते हो कि ना जाने मेरे अपने मेरे दोस्त मेरे करीबी लोग मुझे वैल्यू नहीं देते, मेरी कीमत नहीं आंकते, लेकिन जिसकी जितनी समझ है, जिसका खुद का जो प्रारब्ध है, जिसकी खुद की जो हैसियत है, वो तुम्हें उसी हैसियत से नापता है। वास्तव में पत्थर वही था लेकिन उसकी कीमत एक कबाड़ बेचने वाले के लिए अलग थी, सब्जी बेचने वाले के लिए अलग, राशन बेचने वाले के लिए अलग और जौहरी के लिए अलग। तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी कीमत ना जानते हों, बहुत सारे रिश्ते वक्त बेवक्त आपके साथ ना रहते हों, आपके किए कार्यों को ना समझते हों, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आपको वही सही रूप में समझ सकता है जो वास्तव में उसके लायक है। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात जिंदगी की यूं ही किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।